मुजफ्फरपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 8 अपराधियों को हथियार और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 1.5 किलो चरस बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर गायघाट और बेनीबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी गायघाट और बेनीबाद थाना क्षेत्र में लूटपाट और ड्रग्स का कारोबार करने की फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर SSP जयंतकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सूझबूझ से हथियार और चरस के साथ इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कि इनके विरुद्ध कई आधे दर्जन से अधिक केसेस हैं। इसमें से अधिकतर केसेस हत्या, लूट के और NDPS के हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को, नगर पुलिस अधीक्षक को एवं DSP ईस्ट को सूचना मिली कि कुछ अपराधी गायघाट थाना क्षेत्र और बेनीबाद थाना क्षेत्रों में इकट्ठा होकर लूटपाट करने और ड्रग्स सप्लाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसमें QRT टीम के द्वारा मौका वारदात पर रेड की गई। रेड के दौरान 2 पिस्टल, बाइक और इसके अलावा ड्रग्स बरामद किया गया। और जब इन सबसे सभी अपराधियों से अलग अलग थानों में पूछताछ की गई तो इन्होंने अन्य कांडों में भी अपनी संलिप्तता बताई है। पूर्व में भी इनका लगभग आधा दर्जन केसेस में इनके विरुद्ध लूट के एक आधा दर्जन केसेस में इनकी संलिप्तता रही है। क्या-क्या बरामद इनके पास है? इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हैं। इसके अलावा NDPS का 1.5 किलो के आसपास चरस बरामद है। इसके अलावा बाइक और लूटा हुआ मोबाइल एवं लैपटॉप भी बरामद किया गया है। बड़े अपराधी इसमें कुछ बड़े अपराधी हैं जिनके ऊपर आधा दर्जन से अधिक केसेस हैं, जो कि गायघाट में है, दरभंगा में भी है इसके विरुद्ध केसेस इन अपराधियों के। इसके अलावा बोचहा थाने में भी इनके ऊपर विरुद्ध केसेस हैं। किसी पर्टिकुलर ग्रुप को चिन्हित किया गया? ये पर्टिकुलर गिरोह ऐसा था जो कि बेनीबाद और गायघाट के एरिया में, ये लोग दरभंगा की ओर से आते थे और कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग थे जो जिनकी स्थानीय अपराधियों की मदद के साथ में ये लोग वहाँ पे अपराध को अंजाम देते थे, तो उसको रोकने में पुलिस को सफलता मिली।